गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर एट द आउटसेट आई रिक्वेस्ट ये साइंटिफिक चैनल है ये साइंटिफिक डेलीबरेशन है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें आज मैं हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करूंगा आज मैं बात करूंगा कि हिपेटाइटिस बी क्यों होती है वॉट आर द काजेज ऑफ हेपेटाइटिस बी No, जहां हेपेटाइटिस बी के वायरस का सवाल है ये बेसिकली ब्लड बोर्न वायरस है ये पानी से या खाने से नहीं आता है ये वाटर बोर्न वायरस नहीं है ये वास्तव में आपके बॉडी में उसमें कुछ ब्रीच है और कोई इंफेक्टेड ब्लड है जो इसमें जाके टच कर जाता है। यहां आपको घाव है किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमण है तो उसका जो ब्लड अगर इसको टच करता है तो आपको हो जाएगा। आप कोई ट्रांसफ्यूजन कराते हैं उसमें ब्लड में, ब्ला, उस में हेपेटाइटिस बी का वायरस है ये आपको ट्रांसमिट हो जाएगा ये बेसिकली ब्लड बॉर्न वायरस है इस चीज को आपको याद रखने की जरूरत है लेकिन जो इंफेक्टेड पीपल होते हैं उनके सेलाइवा में उनके सीमन में इनमें भी जो हेपेटाइटिस बी है उसका वायरस होता है और इसके ट्रांसमिशन होने का डर रहता है अगर हम ट्रांसमिशन को ध्यान से देखें कि ये किन किन तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है या किन किन तरीकों से आपके शरीर में आ सकता है उन्हें एक एक करके ध्यान से देखिए नाउ मोस्ट कॉमन इज कि अगर माँ को हेपेटाइटिस बी का वायरस है तो डिलीवरी के दौरान जो न्यूबॉर्न पैदा होता है उसको ट्रांसमिशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है दैट्स नंबर वन नंबर अगर आपका सेक्सुअल पार्टनर उसको हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन है इन आप अनप्रोटेक्टेड हैं और आपको प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं तो आपको हेपेटाइटिस बी के होने का खतरा बढ़ जाता है अगर आपको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है जिस ब्लड में हेपेटाइटिस बी को टेस्ट नहीं किया गया है और उसमें अगर हेपेटाइटिस बी के वायरसेस हैं तो हेपेटाइटिस बी के होने का खतरा बढ़ जाता है ऐसे ही अगर आपको इंट्रावीनस एडमिनिस्टर किया जाता है इन जो यूज हुई वो अनस्टेलाइज हैं

अनस्टेलाइज नीडल्स यूज होंगी तो यह साइंस मानती है कि हिपेटाइटिस बी ट्रांसमिशन है उसका रिस्क हमेशा ऊपर की तरफ जाता है ऐसे ही अगर कोई भी आप को, ऐसा ओपन शोर है कोई घाव है जो इंफेक्टेड आई I पर्सन mean में है तो उसमें घाव में जो ब्लड होता है उसमें हमेशा हिपेटाइटिस बी का वायरस होता है इन वो ट्रांसमिट करने की ताकत रखता है ऐसे ही वो लोग जो वास्तव में इंजेक्टेबल ड्रग्स यूज करते हैं जो इंजेक्टेबल ड्रग्स यूज करते हैं वो मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं इन्होंने इंजेक्ट किया फिर दूसरे आदमी ने इंजेक्ट किया फिर तीसरे आदमी ने इंजेक्ट किया तो ये जो सीरेंजे यूज होती हैं जो मल्टीपल पार्टनर्स यूज करते हैं दे आर दोटेंशियल सोर्स जिसके चलते हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन होने का खतरा बढ़ जाता है ऐसे ही

अगर मान लीजिए मुझे हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन है इन मेरा ब्लड इस सरफेस पे गिर गया मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे चोट लगी इसमें तो थोड़ा सा ब्लड निकला और इस सरफेस पे गिर गया क्या ये सरफेस पर गिरने से हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो खत्म हो जाता है ऐसा नहीं है ऑन एन एवरेज साइंस ऐसा मानती है कि हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो सरफेस पर सेवन डेज तक सर्वाइव करता है इसका मतलब यह है कि ब्लड इधर गिरा ब्लड सूख गया सूखने सूखे हुए ब्लड में भी जो हिपेटाइटिस तो गिरा है तो उसको प्रॉपरली साफ किए जाने की जरूरत है जो साफ करने का तरीका है उसे आप ध्यान से देखें अगर साफ करना है तो वास्तव में ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है साइंस ऐसा मानती है कि एक पार्ट ब्लीचिंग पाउडर टेन पार्ट्स वाटर इसका एक मिक्सचर बनाइए हाथों में ग्लव्स पहनिए एंड उस ग्लव से इस एरिया को जहां पे वो ब्लड है उसको प्रॉपरली साफ करिए तो ग्लव्स जरूर पहनिए इन ब्लीचिंग यूज करिए तो इसको आप करेंगे तो हेपेटाइटिस जो वी का वायरस है वो खत्म हो जाएगा और डिस हो जाएगा नौ क्वेश्चन ये है कि अगर ये ट्रांसमिशन के तरीके हैं तो वो कौन से लोग हैं जो हेपेटाइटिस बी के रिस्क में बैठे होते हैं उनको जरा ध्यान से समझने की जरूरत है ये बात बिल्कुल सही है कि वो जो इन्फेंट्स जो बॉर्न हुए हैं टू इंफेक्टेड मदर वो हमेशा रिस्क में होते हैं को हेपेटाइटिस बी का वायरस है

जो इंजेक्टेबल ड्रग्स यूज करते हैं फॉर जिनके घर में, जो ना किसी को का है, वो घर में रहते हैं तो चूंकि एक इंडिविजुअल इंफेक्शन है इन बाकी जो लोग हैं वो हमेशा रिस्क में होते हैं बिकॉज सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कभी कभार इस तरह के कुछ एक्शन हो जाते हैं जैसे बी के ट्रांसमिशन का आपको खतरा बढ़ता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन यस वो तो है ही है इसके अलावा अदरवाइज भी बहुत सारे जो है मोड्स होते हैं जिससे हिपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन है उसका रिस्क आपको बढ़ जाता है ऐसे ही जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं वो टेक्नीशियंस जो हिमोडायलिसिस में हैं जो पैथोलॉजी में हैं वो डेंटिस्ट हैं एनेटिस्ट हैं जहां की ब्लड की हैंडलिंग ज़्यादा है उन वो जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन का जो रिस्क है वो है वो साइंटिफिकली हमेशा ज़्यादा अगर हम साइंस को ध्यान से देखें तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी का जो इंसिडेंस है वो या तो डेंटिस्ट में पाया जाता है या हीमोडायलिसिस के जो टेक्नीशियंस हैं उनमें पाया जाता है तो दीज आर टू पीपल जो सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं ऐसे ही जो हेपेटाइटिस आई I मीन mean, जो क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स होते हैं जिनको हेमोडायलिसिस की जरूरत होती है रेगुलरली तो हीमोडाइलिसिस वन ऑफ द मोडेलिटीज जिससे हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन है उसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो लोग हैं इनको वास्तव में ज़्यादा होता है तो इसलिए इन्हें बहुत केयरफुल होने की जरूरत होती है नो द क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर हेपेटाइटिस बी इतना कॉमन है इतना रिस्की है और इतना ट्रांसमिशन पॉसिबिलिटीज है, तो है कि ये सब ग्रुप्स हैं जिनको जरूर स्क्रीन किया जाना चाहिए अगर ऐसा है और आप उस सब ग्रुप में आते हैं तो शायद आपको अपने आप को टेस्ट कराने की जरूरत है नौ उस सब ग्रुप को ध्यान से देखिए अगर आप उस कंट्री में बॉर्न हुए हैं जहां हिपेटाइटिस बी का जो इंसिडेंस है वो टू परसेंट से ज्यादा है इसका मतलब ये है कि आप हाई एंडेमिक जोन में हैं। अगर हाई एंडेमिक जोन को देखें तो डोमिनेंटली ताइवान, हांगकॉन्ग चाइना जो ईस्टर्न जो यूरोप है इसमें सबसे ज्यादा है का, का तो आपको हिपेटाइटिस बी के लिए स्क्रीन कराने की जरूरत है अगर आपको जो प्रैक्टिस वो होमोसेक्सुअलिटी में है तो आपको हिपेटाइटिस बी के लिए स्क्रीन कराने की जरूरत है अगर आपको हैबिट है इंटरबिन ड्रग्स यूज करने की एंड जो नीडल है सीरेंजेस है उसे आप कॉमनली शेयर करते हैं तो आपको हिपेटाइटिस बी के लिए स्क्रीन कराने की जरूरत है अगर एच है किसी पेशेंट पेशेंट को तो साइंस ऐसा मानती है कि कोई इंफेक्शन विथ हेपेटाइटिस बी इज क्वाइट कॉमन तो अगर एच का इंफेक्शन है तो हेपेटाइटिस बी को भी टेस्ट कराना चाहिए बिकॉज दोनों के दोनों वास्तव में ब्लड बॉर्न है एंड दोनों के दोनों में एक जो को इन्फेक्शन है इस क्वाइट कॉमन ऐसे ही अगर आपके घर में किसी को भी हेपेटाइटिस बी है तो वास्तव में जो हाउस होल्ड मेंबर्स हैं उनको सभी को स्क्रीनिंग कराना चाहिए वेदर यू आर अ सेक्सुअल पार्टनर और यू आर नॉट अ सेक्सुअल पार्टनर अगर आपके घर में किसी को भी हेपेटाइटिस बी है तो आपको हेपेटाइटिस बी के लिए स्क्रीन जरूर कराना चाहिए देन अगर आपको किसी भी कारण से इम्यूनोथेरेपी चल रही है से फॉर एग्जाम्पल कोई भी कैंसर जैसी कोई डिजीज है जिसके चलते आपको इम्यून सी की ड्रग्स चलती हैं अगर आपका इम्यून स्टेटस नीचे की तरफ है तो साइंस ऐसा मानती है कि हेपेटाइटिस बी का जो ब्लड टेस्ट है आपको कराना चाहिए स्क्रीनिंग कराना चाहिए अगर आपको हिमोडायलिस होती है या आपको क्रॉनिक रिनल फेलियर है जिसमें आगे चल के डायलिसिस की एक पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको हेपेटाइटिस बी के लिए स्क्रीन जरूर कराना चाहिए ऐसे ही अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है दैट यू आर गोइंग टू डोनेट ब्लड या आप कोई टिश्यू डोनेट करने वाले हैं इन द सेंस कि आप लिवर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर हैं या आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर हैं अगर आप किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए डोनर हैं या आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको हेपेटाइटिस बी के लिए स्क्रीनिंग जरूर कराना चाहिए नौ अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट कराई

जरूर कराना चाहिए तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब ग्रुप्स हैं जिसमें सम हाउ जो बी है उसका इंसिडेंस ज्यादा है अगर हिपेटाइटिस बी का इंसिडेंस ज्यादा है इस सब ग्रुप्स में इन किसी तरह आप अगर इस सब ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो साइंस ये रिकमेंड करती है कि आपको अपने हिपेटाइटिस बी का ब्लड टेस्ट कराना चाहिए जो हिपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग है उसे हिपेटाइटिस बी आइडेंटिफाई होगी होगी तो उसकी स्टेजिंग की जा सकेगी स्टेजिंग की जा सकेगी तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो वास्तव में इंप्लीमेंट किया जा सकेगा मेरा ऐसा मानना है एंड I mean, तो आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो वास्तव में, में क्या रिकमेंडेशन साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि एज फार इंटरनेशनल ट्रेवल इज कंसर्न जो रिस्क है इज जनरली लो रिस्क जो है वो हाई नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि हाई रिस्क है और हर आदमी को पहले हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाना चाहिए तब ट्रेवल करना चाहिए इट इज नॉट नेसेसरी बट इफ यू आर ट्रेवलिंग टू अ कंट्री जहां के हेपेटाइटिस बी का इंसिडेंस ज्यादा है या एंडेमिक है तो अगर उस कंट्री में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो साइंस ये करती है कि जाने के पहले आपको हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है उसको वास्तव में लगाना चाहिए so that कि अगर मिनिमाइज हो, तो हो जाए या एलिमिनेट हो जाए बिकॉज यू आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड तो अगर हम आप ध्यान से देखें जो हेपेटाइटिस बी है उसके ट्रांसमिशन के उसके जो ना रिस्क फैक्टर्स हैं वो दे आर डिफरेंट एंड अगर आप रिस्क हैं तो उसको जो ना आइडेंटिफिकेशन के लिए सब ग्रुप्स हैं जिनमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किए जाना चाहिए तो हेपेटाइटिस बी का जहां तक सवाल है ये ब्लड बॉर्न वायरस है दिस इज वन ऑफ द वेरी सीरियस इलनेसेस विच इज prevalent वर्ल्ड वाइड और ये सबसे ज्यादा ईस्टर्न यूरोप में एंड जो पर हाई एंडेमिक मानी जाती है तो हिपेटाइटिस बी के बारे में ध्यान दें अगर आप समझते हैं कि ये जो वीडियो है इसको समझने में आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर विके मिश्रा फ्रॉम लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच